मैं बिल्कुल रेडी हूँ। आइए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तैयार होके बैठी हूँ, दिखाती हूँ सब कुछ पूरे दिन का। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? हैप्पी करवा चौथ। और मैं आई हूँ नहा के, उसके बाद मैंने पहना है सूट, पुराना ही है मेरा ये सूट। शाम को पहनूंगी साड़ी और अभी मैं बनाऊंगी खाना, जो पूजने का सामान होता है वो। लो जी, मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैंने डाला इसमें तेल, जीरा, मेथी। मैंने कि पहले खाना बना लूँ, क्योंकि 12 बज गए थे दिन के, और इधर नहा के सबसे पहले मैं खाना ही बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ की थोड़ी रीत अलग है। कथा था तो नहीं पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ी जाती है, बस शाम को ही पूजा होती है, उसी को कथा बोलते हैं। और दिन में मैं अपना करूँगी खाना तैयार, क्योंकि टाइम लगता है शाम तक, और वैसे भी बहुत थक जाते हैं त्यौहार के दिन। बहुत थक गई हूँ, बहुत मिलती हूँ आप लोगों से, शाम को मिलती हूँ आप लोगों से। खाना मेरा बन के तैयार हो गया। सूजन भी हो रही है यहाँ पर, थोड़ी देर करूँगी आराम, उसके बाद मैं करती हूँ, शाम को मिलती हूँ आप लोगों को। बहुत थक गई हूँ, बहुत। और मैंने ये पहन रखा है, देखी नहीं लेंगी। क्योंकि बच्चे नहीं है यहाँ घर पे, इसलिए मैंने अकेले रखी, मुझे रखनी नहीं आती कैसे रखी जाती है मेहंदी, इसलिए सिंपल सी रख ली, क्योंकि आती नहीं, थोड़ा सगुन हो जाए बस। और ये मैंने अभी पहन रखा है, रात को पहनूंगी साड़ी, उसके बाद कढ़ी मैंने छोंक दी है, क्योंकि हमारे यहाँ कढ़ी बनती है चावल और पूड़ी, कच्चा पक्का दोनों खाना बनते हैं, वो मैं बनाने जा रही हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। अभी ये देखिए, मैं अपने मेकअप का सामान दिखाऊँ, फेस पाउडर, ये सब चीज़ है सारा कुछ, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ मेकअप करना आता नहीं है, बस वट रखा था पहले का, वही उसी से कर लूँगी, क्योंकि बच्चे रहते थे वो कर देते थे मेरा, और बच्चे बाहर हैं लड़कियाँ, तो फिर मैं अकेली, आज मुझे सारा तैयार होना है, देखती हूँ कैसे होती हूँ। ये देखो मेरी चूड़ियाँ, ये मेरे गले का, बताना कैसा लग रहा है। और इधर मैंने थाली सजा रखी है पूजा की, ये करवा, सेब, ये तीन करवे हैं, एक मिट्टी का, कांसे का, और चीनी का, बिंदी, क्लेचर भी है, क्योंकि लगाऊंगी थोड़ा सा। अब इधर लगा रही हूँ मैं, सबसे पहले लगाऊंगी महावर, क्योंकि ये सूखती नहीं है, टाइम लगता है इसमें सूखने में, इसलिए महावर मेरी लग के तैयार हो गई है। बिछिए भी मैंने बदल लिए, और पाजेब, इधर मैं होंगी तैयार, क्योंकि शाम के बज गए हैं 7। और इधर मैंने सिंदूर लगा रही हूँ, क्योंकि फेस पाउडर वगैरह तो मैंने पहले ही लगा लिया था। देखो इधर टीका लगा के देख रही हूँ, तो पता नहीं कैसा लग रहा है कैसे नहीं, मैंने सोचा पहले लिपस्टिक लगा लूँ, उसके बाद लगाऊँगी कुछ। ये लग गई मेरी बिंदी, और थोड़ा सा काजल बस, क्योंकि आँखों का मेकअप मुझे करना नहीं आता, इसलिए मैं थोड़ा सा काजल लगाऊँगी। बीच मेकअप करने में बहुत टाइम लगता है, मैंने सोचा गले में भी पहन लूँ, क्योंकि मैक्सी पहन रखी है, और बाद में पहनूंगी साड़ी, पहले मेकअप कर लूँ उसके बाद साड़ी पहनूँ। और इधर ये जान भी, वो बच्ची है छोटी सी, वो बहुत परेशान कर रही थी, कह रही थी मुझे भी करना है, मुझे भी करना है मेकअप, वो भी देखती जा रही है साथ में, सामान भी छेड़ती जा रही है। ये मैं लगाऊंगी क्लिप, थोड़े से फ्लावर रखे थे आर्टिफिशियल, वही लगा रही हूँ। और ये मेरा टीका, मांग टीका नहीं रह रहा है, बार बार गिर रहा था, बार बार। अंगूठी भी पहन लूँ रिंग, क्योंकि नेल पेंट सबसे बाद में लगाती हूँ इसे सुखाने के लिए, क्योंकि ये सूखने में थोड़ा टाइम लगता है।
और लो मैं सज गई हूँ, बिल्कुल एकदम रेडी हो गई हूँ। बज गया 7:30, क्योंकि ऊपर भी जाना है 3 मंजिल पे। उससे पहले मेरे यहाँ पूजा होती है 8:30 बजे करीब, पूजा मैंने की। अब बज गए 8, मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे। मैंने सोचा चलो जाती हूँ, क्योंकि 8:15 बजे का तो टाइम है चंद्रमा निकलने का, तो मैं जा रही हूँ ये ऊपर। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर चलो चलो मैं ज़रूर उठा लूँगा। करना, और नए जो लोग हैं वो सब्सक्राइब। ये देखिए मैं ऊपर जा रही हूँ, मैंने अर्घ दे दिया है। पहले चंद्रमा की पूजा, उसके बाद अर्घ दूंगी। छलनी में देख रही हूँ, मुझे तो आर्यन लो, मम्मी को दे दो। देखिए हो गई मेरी पूजा, बस ओके, बाय बाय, गुड नाइट।